ये देखिए ट्रेंडिंग का तांडव। अरे यार माने 40 पे तांडव हुए, एक नंबर पे कुछ ना हुई। अरे बेलूरा चल बेटा, तो नहीं के हिसाब तो हम कर अब। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज सीरीज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग छोटा सा क्लिप देखे पावर भैया का। आज इसी विषय पे कुछ मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कहते हैं खेसारी नंबर वन, पवन सिंह नंबर वन। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ डिस्कर्स करने वाले हैं, जो कि स्टार लोग ठीक रहते हैं, लेकिन यूट्यूबर लोग जिनका यूट्यूबर रहते हैं, मतलब उनका बढ़ाई करके उनका मार्केटिंग गिराने किस तरह से वो सब प्रयास करते हैं, जो कि आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कर्स होगा। जो कि कोई भी खेसारी भैया पवन भैया का गाना आता है तो स्वाभाविक है उनका चाहने वाले पूरा इंडिया में पूरा फैंस है। कोई भी गाना आएगा स्वाभाविक है जो उनका गाना ट्रेंडिंग में जाएगा ही। तो अभी हाल फिलहाल पवन भैया का दो गाना है, एक सैड सॉन्ग आया है और एक साड़ी से तारी, जो कि एक नंबर, दो नंबर, पाँच नंबर, मतलब हाल फिलहाल के ट्रेंडिंग में रहता है पवन भैया का। जो कि अभी हम रियल बता रहा हूँ हाल फिलहाल का, जो कि अपने स्क्रीनशॉट आप लोग अपने स्क्रीन पे देख लोगे। और खेसारी भैया का भी आता है तो मतलब उतार चढ़ाव भाई होते रहता है म्यूजिक सेक्शन में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन खेसारी भैया के यूट्यूबर कहते हैं कि खेसारी भैया ने तांडव कर दिया, ये कर दिया, वो कर। अरे भाई ठीक है, खेसारी भैया भी करते हैं, लेकिन पवन भैया का भी तो ट्रेंडिंग में, लेकिन आज तक उन्होंने कहाँ लाइव आकर बोले कोई चीज़। तो चलिए थोड़ा सा लाइव ये भी आप सुन लीजिए। 25 दिन से ट्रेंडिंग में रहनी, हम कभी बोलने हैं कि हम ट्रेंडिंग में बनी नहीं, कोई नहीं। मेरा भगवान जो है वो बोलते हैं कि हाँ भाई मेरा ट्रेंडिंग में है, मेरा बाबू ट्रेंडिंग में है। एक नंबर पे होके, दो नंबर पे होके, दो से एक नंबर पे होके, एक से दो नंबर पे होके, मैंने कभी आज तक बोला ही नहीं। पूरा सावन का गाना पूरे चालीस नंबर पे आ गया। ये देखिए ट्रेंडिंग का तांडव। अरे यार माने 40 पे तांडव हुए, एक नंबर पे कुछ ना हुई और दो नंबर पे कुछ ना हुई। अरे बेलूरा चल बेटा, तो नहीं के हिसाब तो हम कर अब, लेकिन अभी ना। तो आप सब लाइव सुने पवन भैया का क्या सोच है, आज तक उन्होंने बोलते नहीं है, बल्कि हमारे ऑडियंस यानी हमारे फैंस जानते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या गुण है। और ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरा पवन सिंह भी आप प्यारा है, खेसारी भी आप प्यारा है, मेरे लिए सब जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं सब एक समान हैं। लेकिन उनका नाम को ठेस पहुँचाने वाला कुछ यूट्यूबर है, कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं, कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं, जो कि उनको नाम को एक बदनाम करने की साजिश किया जाता है। लेकिन उसे हम अच्छा यूट्यूबर नहीं कहेंगे, एक चापलूस यूट्यूबर। ऐसे में खेसारी भैया का स्टार्टअप एक न एक दिन यही लोग की वजह से गिर जाएगा, जो कि मैं ये रियल बात बताता हूँ। और जो दिल से चाहने वाले फैंस होंगे ना, आप लोग पूरा समझ गए होंगे कि मैं क्या आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोग सॉन्ग सुनने से मतलब रखते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग ही विवाद कराने में आगे होते हैं, ज़्यादातर यूट्यूबर लोग होते हैं। तो मैं विशेष कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग सब अपने अपने जगह पर, जिनका गाना अच्छा लगता है उनका गाना सब प्यारे से बात सब सपोर्ट करते हैं। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी भाइयों को देने का मैं प्रयास किया हूँ। तो खेसारी भैया के फैन हो या पवन भैया का फैन हो, नीचे कमेंट करके आप लोग बताइएगा आप लोग सबसे ज़्यादा किन का गाना सुनते हैं और इस साल का सबसे बेस्ट सॉन्ग आप लोग को कौन कौन सा लगा है। नीचे कमेंट के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस वीडियो को जितना हो पाएगा आप लोग अपने फैंस में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को भी पता चल पाए। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।